सुनो, अर्जेंट काम है, निकलना होगा हमको। आज तो एटलीस्ट फैमिली को टाइम दो। अभी अभी साथ में फिल्म देख के आया है, और कितना टाइम निकालूं? पापा, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं फिर से? कभी एटलीस्ट कुछ महीना फैमिली के साथ भी रहो ना। अगर हम बाहर जाके नहीं कमाएगा तो ये पैसा कहाँ से आएगा? और ये तुम लोग को अच्छा लाइफ मिल रहा है, ये कैसे मिलेगा? कभी सोचा है? बेटा, इस बार मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लेना, ठीक है? और कोई चीज़ चाहिए तो पापा को बोलना, ओके? Thank you.
लो सब लोग चाय। अरे डेविड अभी उठा, तुम्हारा सर का चोट कैसा है अभी? कुछ हुआ था क्या? हमको सपना जैसा लग रहा था। कल रात चोर आया था, कुछ सोना और पैसा लेके चला गया। पुलिस को अभी तक क्यों नहीं बताया? हो जाएगा बेटा, वो हम लोग संभाल लेगा, तुम रेस्ट कर लो। दिल्यांग डेविड को संभालो। दिल्यांग जी, आप तो मोम एंड डैड के साथ बहुत क्लोज हैं, आपको तो सब पता होगा ना, दोनों कैसा है, क्या करता है, कहाँ जाता है। लेकिन हम दोनों का बेहतर है, फिर भी हमसे कुछ शेयर ही नहीं करता है। कितना कुछ पूछना है, बात करना है, लेकिन दोनों के पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। पता है अकेलापन इंसान को अंदर से धीरे धीरे मार देता है, और इसीलिए अपना अकेलापन में भी जीने का रास्ता ढूंढना चाहिए। मैंने तो 5 साल अकेलापन में गुजारा है, बिना किसी से बात किए, ना कोई मुझसे बात करता था। पता नहीं तुम्हारे पिताजी नहीं मिला होता तब मैं कैसे जीता। तुम्हारा मोम और डैड अपना लाइफ में इतना डूब चुका है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर बदलना होता तो पहले ही बदल जाता। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों टाइम निकाले और हमसे बात करेगा? क्यों नहीं, तुम अपना लाइफ में ऐसा कुछ स्टोरी क्रिएट करो जो तुम्हारा मोम और डैड सिर्फ तुम पर ध्यान जाए। वैसे आप इतना सारा स्टोरी सुनाता है, लेकिन कभी आप वो 5 साल अकेला वो कभी नहीं सुनाया आपने। वो आज मैं सुना नहीं पाऊंगा, उसे सुनाने के लिए मुझे बहुत सारा हिम्मत जुटाना पड़ेगा, जो कि आज मेरे पास में नहीं है। ठीक है, कभी दिन तो आज का दिन खाली जाएगा, दूसरा कुछ स्टोरी जरूर जरूर सुनाऊंगा। ये आदमी अपना बीबी को बहुत मारता था। तुमको क्या हुआ? नहा रहा था। कपड़ा पहन के? आपको कुछ बताना है।
हमको कल कोई मारने आया था और हमको लग रहा है वो मेरा मोम है। तुम गलत सोच रहे, देर रात तक पढ़ने से दिमाग अच्छे से काम नहीं करते हैं, इसीलिए रेस्ट करना जरूरी है। और तुम खुद सोच लो, कोई कैसे अपना बच्चा को मारेगा, वो भी बिना गलती का? ऐसा नहीं होता है, अपने दिमाग से निकालो ये सब। चलो थोड़ा माइंड रिप्रेस करने कहीं चलते हैं, रेडी हो जाओ। आपको क्या लगता है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चा को मार सकते हैं? कोई अपना बच्चा को तभी मार सकता है जब वो राक्षस हो और उसे मार के दुनिया का भलाई हो, लेकिन तुम्हारे केस में तो ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मेरा स्त्री तुम पर असर पड़ रहा है। हो भी सकता है, आपका स्टोरीज में इतना थ्रिलर जो है, कोई भी आसानी से उसमें डूब जाएगा। लेकिन कल रात का पूरा असली लगा था रे, सोचने से फनी भी है लेकिन स्केरी भी है। वैसे आज का क्या स्टोरी है, थोड़ा बताएगा ना? क्यों नहीं, अगर मेरे स्टोरी बताने से तुम्हारा दिन अच्छा जाता है तो हम हमेशा बताएगा। ये आदमी जो देख रहा है इसके बारे में स्टोरी बताएगा, इसको किसी ने मार दिया है लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है, ये जो ड्रग स्मगलिंग करता था। क्या चाहिए तुमको? देखो जो भी चाहे साफ साफ बोलो। तुम लोहा पकड़ के कुछ नहीं कर सकेगा, मेरा पास गन है। आखिर तुमको क्या चाहिए मुझसे? सिर्फ मौत। फिर तो मेरा मरना तय है, आज नहीं तो कल।
तुम तो मारेगा ही, जो भी हो, जो भी हो। मरने से पहले एक सिगरेट पीना चाहता हूँ और अपना फैमिली को कुछ मैसेज कर लूँ, प्लीज। इतना सारा लोहा लाया कहाँ से? देखो, ये बात हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। उसके पिताजी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। और जैसे ही काम हो जाएगा, तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बात का प्लान बाद में करते हैं, अभी तुम जाओ। Thank you.
आप यकीन नहीं करेगा, हमको कंफर्म लग रहा है मेरा मोम कुछ तो गड़बड़ सोच रहा है। वो हमको मारने के लिए सोच रहा है। अगर ऐसा बात है तो वो तुमको मारने से पहले तुम मार डालो। क्या फालतू बात सोच रहा है? तुमको मारना होने से इतना आसान से मार देता। खाना में जहर डाल दो, बस सिंपल। वो बात भी सही है, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा मोम का जुड़वा बहन है क्या? पता नहीं। हेलो। आज के मुख्य समाचार। कल रात को पार्किंग लॉट पे एक डेड बॉडी पाया है। उसको किसी ने बुरी तरह से आयरन रोड से सिर पर वार करके हत्या कर दिया गया है। मरने वाला का भी बहुत सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन ये कोई क्या क्यूट है लड़की। न्यूज पे क्या दे रहा है पता नहीं, पर इसको देख के मजा लगता है। न्यूज सर, आप खुश क्यों हो? न्यूज पे क्या दे रहा है पता नहीं चल रहा। क्या दे रहा है? रंका का न्यूज दे रहा है। उसको कोई मार दिया है? ड्रग माफिया का एक हायरार्की है। ऐसा क्या? आप पुलिस के जरिए सरकार से दिल्यांग को फोन लगाता हूँ। अरे इतना सुंदर लड़की न्यूज देगा तो न्यूज पे कहाँ ध्यान जाएगा? बहुत मुश्किल काम है। हेलो फाइट कर, अरे दिल्यांग जो न्यूज पे चल रहा है वो क्या है? हाँ वो सच है, कड़त हुआ घटना। तो तुमने हमको बताया क्यों नहीं? सभी लोग मतलब परेशान रहते हैं। अभी उसका घर में पुलिस पहुंच रहा होगा, पूरा सामान पकड़ा जाएगा। हाँ उसको चिंता मत कीजिए एंटोनी साहब, मैंने कल रात को संभाल लिया है और आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। सुबह होते ही मैदान ने डेविड को संभालने के लिए भेज दिया है। सॉरी। अच्छा जो पैसा दिया है उसको डेविड को दे देना। हाँ मैंने दे दिया है। गुड, संभाल के रहना और डेविड का ख्याल रखना। ये दोबारा फिर कौन कर रहा है? कहीं वो तो नहीं फिर से? नहीं, वो कमजोर साला दोबारा ऐसा नहीं कर सकता है। कोई और है लगता है।
पता करना पड़ेगा। तुम्हारा डैडी कब पहुंचता? उसका एक स्टाफ को किसी ने बुरी तरह से मार डाला। वैसे डैड का स्टाफ का साथी क्यों ऐसा होता है? आप भी ख्याल कीजिएगा दलन जी, आप भी डैड का स्टाफ है ना, आपको भी कोई मारने का प्लानिंग कर सकता है। वैसे आप अपना फैमिली के बारे में हमको कभी नहीं बताया, आप बताइए ना आपके फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहता है? मेरा घर का कहानी सुनाने का लायक नहीं है, अगर सुनाऊं भी तो मेरे दर्द का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए सुनाने मन नहीं है। आपका हर स्टोरी को हम सुना है और बहुत पेशेंस से सुना है, ट्रस्ट में हम आपका दर्द को फील कर सकते हैं। इतना आंसू बह चुका है साला, आंसू ही नहीं निकलता है आजकल। मेरा भी एक खूबसूरत बेबी था, बिल्कुल तुम्हारी मोम की तरह, और एक बेटा था तुम्हारी उम्र का। सर इस बार का पेमेंट नहीं आया है, आप देने से अच्छा है। वैसा मेरा बीबी का बर्थडे है। देखो अभी तक सेंटर से पैसा नहीं आया, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आज तुम जाओ, ठीक है? पापा क्या हुआ, पैसा मिला? नहीं बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा बोल रहे। तो मम्मी का बर्थडे? देखो बेटा हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है, घर चल। हिंटिंग पापा, आप जैसा पति खुश नसीब वालों को मिलता है, और इस खुश नसीब पति को आप जैसा बीवी मिलता है जो अपने गरीब पति के साथ भी खुश रहता है। पापा, मामी है। आप लोग अभी तक सो रहे हैं क्या? मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया, तो ब्रेकफास्ट कौन बना देगा? सॉरी बेटा, कल मौसम ही ऐसा कुछ था, लेट से सो गया था। अच्छा बेटा रुको, मैं कुछ बना देती हूँ। पापा हैं? भाभी जी मेरे लिए भी चाय लाना।
ठीक है। देखो देजंग, ये तेरा सैलरी है। और सुनो, अगर हम चाहे तो तुमको अभी की अभी नौकरी से निकाल सकता हूं। लेट नाइट होने से भी अपना काम कंप्लीट करके घर जाओ, ऐसा हमेशा नहीं चलेगा, समझा? भाभी जी, चाय में चीनी कम था। चलो बेटा। तुम्हारा उम्र में इतना ताकत था, जानता है? दारे मुझ शेर जैसे रखता था। पैसा नहीं मिलते ना, बहुत अदमरा होते हैं। तुम्हारा है? ओए, पैसा दो, टाइम नहीं, जल्दी करो यार। तुम हमको हाथ उठाएगा, कुत्ता साला? हाँ, हमको हाथ उठाएगा, हमको हाथ उठाएगा, हाँ? अरे ये क्या हुआ है? हाँ, छे, बाप बेटा होके ऐसे लड़ाई करता है क्या? अरे पागल, कुछ गुंडा हम लोगों का पैसा लूटने आया था, वो लोग मारा है, हिंदी को ज्यादा मारा है। जाओ देखो कैसा हालात है उसका, हम भी तोरा हाथ मुंह धो लेगा। देखो बेटा, ये दुनिया ऐसा ही है, इसलिए हम लोग को बहुत संभाल के रहना पड़ता है। कब कौन क्या करे कुछ पता नहीं। वो लोग दो था और हम लोग भी दो था, हम लोग चाहे तो लड़ सकता था, लेकिन पापा का कमजोरी की वजह से आज हम लोग मार खाए। पापा हमेशा ऐसा करते हैं, अपना रात में भी किसी को कुछ नहीं बोलते।
चुपचाप बैठते। देखो बेटा, चुपचाप पैसा देता तो वो लोग नहीं मारना था। कभी कभी शांति से काम लेना पड़ता है, लड़ने सोचेगा तो और बात बिगड़ जाएगा। हम लोग गरीब है, हम लोग अपना बात बोलना चाहो तो भी कोई सुनने वाला नहीं है। अपना राइट को बोलने का चक्कर में उल्टा और प्रॉब्लम में पड़ सकता है। कोई बात नहीं, फ्रेश अप हो जाओ और खाना खा लो, कल को ले जाना है तुमको। मम्मी हमको पैसा दो तो तोरा। क्यों? चुपचाप दो ना। पर कितना? एक हजार जैसा दो। अच्छा ठीक है, रुको। कब से दारू पीना शुरू कर दिया? हैंटिंग, सुनाई दे रहा है? क्या बोल रहे तुमको? पूरा दुनिया दारू का नशा में जैसे जो उसमें, और आप लोग इतना शांत। हम देखना चाहते कि लोगों के अंदर दर कैसे नहीं होते, इसलिए हम पी रहे। हैंटिंग बेटा, हैंटिंग बेटा, हैंटिंग बेटा, बेटा क्या आपका कोई गर्लफ्रेंड है क्या? बेटा तुमको कुछ तकलीफ है तो हमें बताओ। इस तरह से दारू पी के अपने आप को तकलीफ देना सही नहीं है, बहुत दुख होता है। हमको अच्छा नहीं लगता है जब कोई हम लोग का फैमिली को दबा के बात करता है। हम ये चाहते हैं कि दूसरा लोग हम लोग को भी डरे। देखो बेटा, हर कोई दूसरा का अंदर रहना पसंद नहीं करता है, बस हालात चुप रहने में मजबूर कर देता है। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, बड़ा ऑफिसर बनो, फिर कोई कैसे नहीं डरेगा तुमसे। और जो पढ़ाई में कमजोर हो और गरीब हो, उसका क्या? वो तो लाइफ टाइम किसी के अंदर दर दर के जीना पड़ेगा ना।
ठीक है, तुम रेस्ट कर लो, ये तेरा पॉकेट मनी है, जो पसंद है खा लेना, पर दारू पीना नहीं। हाँ बेटा, कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा है। लेकिन आज तो संडे है, संडे पे कौन सा कॉलेज है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम भी होता होगा। अकेला है क्या दोस्त? दारू से कुछ होने वाला नहीं है। आजकल अपना अकेलापन को दूर करने के लिए मार्केट में नया कुछ आया है और उससे हिम्मत भी बढ़ता है। तुमसे हमने कुछ पूछा है? वैसे मेरा नाम देशलर है। हम इंसान का अंदर का इमोशन को कैप्चर करते हैं। कोई किसको भी क्या मांगता है हम जानता है, और यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आता है। कभी ब्रॉन्स फुगर और कोकिन के बारे सुना है? सुना है, देखा कभी नहीं है। इसको मार्केट में सर्फ एक्सेल बोलता है। ये एक बार लेगा ना, तुम्हारा सारा तकलीफ दूर हो जाएगा और तुम दूसरों को तकलीफ देगा। कितना करते एक पैकेट का? अरे भाई, तुम मेरा दोस्त है, ट्राई करो फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे। हाँ, सुनो सुनो सुनो, कुछ भी नहीं हुआ तो हैंडिंग बेटा, कुछ सुनाई दे रहा है? अरे इसका आंख खोल रहा है तो यसु। बेटा तुम तो कॉलेज गया था ना, फिर पहाड़ में क्या कर रहा था? अच्छा हुआ तेरा पापा दाऊद से तेरा पीछे पीछे गया है, नहीं तो कहाँ मिलना था। बेटा जहाँ भी जाओ लेकिन उस पहाड़ मत जाओ, वहाँ लड़का लोग ड्रग्स करता है, और एक लड़का था सुसाइड भी कर लिया ड्रग्स करके। मम्मी हमको भूख लग रहा है, खाना। क्या है ना, हमारा दोस्त बोलता था हर किसी का एक टाइम आता है, खुद को अकेला महसूस करना, तब गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ दोस्त का जरूरी होता है। इसलिए बेटा आपका फोन। ओ हाँ।
अरे तू पागल है क्या? सीरियस मत पियो, बोला तो इतना मारता है क्या? कोई बंद करो तो इसको। देखो, ज्यादा बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बेटा ने मेरा बेटा को बहुत बुरी तरह से मारा है सबके सामने। इनके ट्रीटमेंट के लिए अभी के अभी 5 लाख दो, नहीं तो तुमको पता है मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ, और तुम लोग हमको कुछ भी नहीं कर सकते। सर जी माफ कर दो ना प्लीज, अभी पहला कौन गलती किया कैसे मालूम होगा, जबकि आप और हम दोनों इस पोत पे था ही नहीं, और हम लोग का पास जो पैसा है वही दे सकेगा। लेकिन 5 लाख मत बोलो ना। देखो बेटा, अभी मेरा पापा आपको बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी आपका सामने आपका बेटा को हम ठीक से मारना था, और आज आपका बेटा का ही गलती था। हम रेडी नहीं था बोल के तेरे बेटा को मार सके, नहीं तो आज ही हॉस्पिटल में होना था। चुपचाप बैठो बुढ़ा, ज्यादा हो गया दूसरा का चुपचाप सुनते सुनते। ओए, तुम लोग खिलेगा तो बिना ऐसे गला में चाकू घुसा देगा अभी हम। तुम लोग कुछ भी बोलते रहेगा और हम लोग चुपचाप सुनते रहेगा। क्या को रेडी, अभी पूरा रेडी होके आए ना, तो मारो ना, एक ना एक को तुमसे और चाकू घोपेगा अभी। तुम लोग चुपचाप यहाँ से चला जाओ, नहीं तो अभी हम पुलिस कंप्लेन कर देगा तुम लोग हम लोग को मारने आए बोल के घर में। अरे बुढ़ा, पेप्सी का पैसा देके जाओ, 110 लेता यहाँ में। तुम ऑफिस में आना, नई चीप है ना तेरा। ये हैंटिंग को क्या हो गया है, अभी क्या करेगा? आपको तो आपका सार नौकरी से निकल ही देगा, अभी कैसे घर चलेगा? और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है घर चलाने के लिए। आपका फोन, क्या है हाथ में?
सर डॉक्यूमेंट्स, आप हमको नौकरी से निकलने वाला है ना, इसलिए। हम तुमको नौकरी से क्यों निकालेगा? देखो ये हमारे बेटा के बीच का झगड़ा हुआ है, ये ऑफिस का मामला नहीं है, तो हम तुमको क्यों नौकरी से निकालेगा? तो सर मतलब आप नौकरी से नहीं निकालेगा ना? नहीं 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 नहीं, तुमको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ, देखो उसी दिन भी मैंने मजाक किया था तुम्हारे बेटा को थोड़ा डराने के लिए, ये एहसास कराने के लिए कि उसके वजह से फैमिली में कितना तकलीफ हो सकता है। लेकिन हमको मालूम नहीं था कि तुम्हारा बेटा इतना रिएक्ट कर सकता है। तुम्हारा बेटा बहुत बदल गया है, उसका ख्याल रखो, ये उम्र में ये लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा यूज करता है। बात बिगड़ने से पहले संभालो उसको। जब इतना लेट, नौकरी का क्या हुआ? नौकरी का कुछ नहीं हुआ है, अभी भी है। हमको पता ही था वो सर जितना मुख से खराब है दिल का अच्छा है, फिर तो आप इतना क्यों दुखी है अभी तक? हमारा बेटा के लिए दुखी है। वैसे वो किधर है? पहले से रूम में बने, खाना खाने तक नहीं निकला है। कुछ नहीं, मैं अपने मर्द वाला बेटा को तोरा हालचाल पूछने जाता हूं। हैंडिंग बेटा, ये प्लास्टिक का आवाज क्यों आ रहा है? हैंडिंग बेटा, ये प्लास्टिक आवाज इतना क्यों आ रहा है? पापा प्रोजेक्ट का प्लास्टिक है। प्रोजेक्ट का प्लास्टिक? दारू पी के बना रहा होगा, प्लास्टिक का प्रोजेक्ट होना चाहिए। कुछ तो हुआ है हैंटिंग को, या फिर कुछ उल्टा सीधा खा रहा है वो। आप एक बार बात करो ना अच्छा से, पहले हाथ धो के आओ। क्या बोलूं और कैसे बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। कल सुबह होते ही एक बार फिर से ट्राई करेगा, अभी के लिए खाना खा लो। हाँ सर। मेरा बेटा यहाँ आता है क्या? हाँ आता है ना सर। वो यहाँ से सिर लेता है क्या? हाँ लेता है। वो जो पीता है दोना? कितना पैकेट? 3 पैकेट। सर वो पहले का भी 5 पैकेट का उधार है, अभी तक नहीं दिए। तब तो 1 पैकेट दे दो।
देखो बेटा, तेरा पेवर सिर लेके आया है, और जो दुकान में उधार था ना, वो भी मैंने दे दिया। बेटा कुछ तकलीफ हो तो बोलो ना, मैं हूं ना मदद करने वाला। और हाँ, और हमको बोल नहीं सकता तो एटलीस्ट मोम को तो बोलो प्लीज। हमको अभी अच्छा लग रहा है, जब लोग हमसे डरते हैं तो। क्या हुआ बेटा, ने कुछ बोला है क्या? हमने अपना बेटा खो दिया है। पता नहीं हमारा परिवार में क्या कमी रह गया था। क्या बोल रहे हैं, साफ साफ बोलो। कब कैसे हुआ पता ही नहीं चला। हमारा बेटा ड्रग्स में डूब गए। चल आज फिर से हो जाए सर्वेक्षण। सॉरी दोस्त, और नहीं दे सकेगा फ्री में। हम भी खरीद के लाते हैं और तुमको भी खरीद के लेना पड़ेगा। बहुत आराम है, कितना लेगा बोलो? एक पैकेट का 2000। इतना ही है मेरे पास, बाकी बाद में देगा, भरोसा करो। चलो तुमको भी आदत हो गया, बाद में दे देने से भी हो जाएगा। अरे क्या हुआ है? सर्व एक्सेल दो हमको, सर्व एक्सेल दो। बेटा सर्व एक्सेल क्यों? प्लीज हमको चुपचाप सर्व एक्सेल लाके दो कहीं से भी। सर्व एक्सेल हम लोग घर में बहुत ज्यादा है, हम अभी ला रहे हैं, रुको। ये लो। ए, आप लोग मजा कर रहे हैं मेरे साथ? सर्व एक्सेल डीएसएलआर के पास है, एक पैकेट का 2000 रुपए करता है, हमको अभी लाके दो। हेलो सर्प एक्सेल है? आप कौन? हेंटी का पापा बोल रहा हूँ, अभी इसको जरूरी है, तुम देने आना। पैसा बराबर लाओ, माल मिल जाएगा और एड्रेस हम बताएगा। ठीक है। Thank you.
देखो भाई, आप कौन है और मेरा बेटा आपको कैसे पहचानता है कुछ पता नहीं, लेकिन प्लीज मेरा बेटा को द्रा से दूर कर दो। बुद्धा, तुम हमको ये बोलने के लिए बुलाया क्या? मैं हिंदी का भी तेजी नहीं ना, या मैं मार देना था। साला, प्यार से बोलते समझता नहीं है क्या? हम ड्रग्स बेचते अपना कमाई के लिए और अपना फैमिली को पालने के लिए। आप खुद संभालो ना अपने बेटों को जो ड्रग्स करता है। वैसे भी अभी वो एडिक्ट हो चुका है, उसको ड्रग्स नहीं मिलने से वो किसी को भी मार सकता है, इसलिए उसको धीरे धीरे ड्रग्स देना पड़ेगा। और आप जो बोला था उतना लाया है, आज के लिए दे दो और कल का कल देखा जाएगा। हेलो, आप जल्दी घर आ जाइए, हेतिक पागल हो रहे, हमको भी मार रहे। और मेरा माता का ट्रीटमेंट का पैसा? हेतिक किधर है? उसको रूम में लॉक कर दिया। आप दोनों को कितना बार बोलेगा, पढ़ते वक्त हमको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है बेटा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप दोनों झगड़ा किया था क्या? ये उम्र में झगड़ा मत करो, प्यार से रहो, हमको अच्छा लगेगा। पापा कॉलेज जाना है, 4,000 जैसे पैसे दे दो। तो बेटा 4,000 तो नहीं है, आप मारेगा तो नहीं है ना? आप पागल है क्या? आपको हम क्यों मारेगा, जितना है उतना दे दो। सिर्फ 1,000 पाया पहन रहते हैं। और 500 हमको कहीं से भी ला के दो। मेरा पास 500 रुपया है,
होगा हम लेके आएगा। ये लो 500 रुपया। पापा कुछ करो ना। मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो। डीएसएलआर एक सर्व एक्सेल दो तो। ये लास्ट है तेरे लिए, हम कल से नहीं आएगा। लास्ट क्यों? हमको तेरा पापा मिला था, वो तेरे लिए दरख्त दे रहा था। हमको लग रहा है हम किसी अच्छा पेरेंट्स का दिल दुखा रहा है, हमसे और नहीं होगा। हम रात भर सोचा है, हो सकने से तुम भी दरख्त छोड़ दो। डीएसएलआर जा ही रहे तो एक बीरी पिलाओ तो। तुम गायब होने के लिए सोचो भी मत, तुमको पुलिस कंप्लेन कर देगा। तेरा पूरा एड्रेस हमको पता है। मत मारो। आपका हिम्मत कैसे हुआ? लुटेरे को मारने नहीं सकता है, मेरा अच्छा तो मारेगा। हमको पैसा चाहिए पापा। दोस्त मेरा दिल गोना दो तो। आजकल खैनी का बिना बहुत ज्यादा दाम हो गया, क्या बोलेगा। अरे दिन भर बाइक चला चला गया यार, पूरा सकल तो सनबर्न हो गया रे। मेरा 7,640 रुपीज कब देगा? तुम लड़का दारू पिया हुआ है क्या? हाँ Thank you.
हैंटिंग का पापा। मत बोलो हैंटिंग का पापा, हनी वाला। ऐसा जिंदगी भी देखना पड़ेगा, कभी सोचा नहीं था। एक समय आएगा हम दोनों बुरा बुरी हो जाएगा, फिर हम दोनों को कौन संभालेगा? हम तो सोच रहे हैं ऐसा बेहतर होना, हम दोनों को बुरा बुरी होने से फेर दे मार देगा होगा। चलो हनी, ज्यादा रात हो गया, खाना खाते हैं। हैंटिंग रात को आके खुद खा लेगा, हम उसके लिए पका के रख दिया है। यसु, 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 यसु। हम यहाँ हैंटिंग का रूम में हैं। अभी आपका बेटा किधर है? वो अभी इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था उसके साथ, बताइए ना। अभी बता नहीं पाऊंगा, हिम्मत ही नहीं वो आस का बारे बताने। कभी दिन ट्राई करता हूँ। चलो, भी तो रात हो रहा है, घर चलते हैं। सर, आपका सर पेट सर। आप डीएसएल केटीएम? मेरा नाम केटीएम, वक्त से पहले और वक्त के बाद पहुंचना मेरा नियम है।
डॉक्टर क्या बोल रहा है डार्लिंग? डॉक्टर बोल रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन खाने पीने में थोड़ा ध्यान देने के लिए बोला है। तुम साथ हो तो क्या चिंता है। वापस आया है। कौन? अरे हमारा बेटा हैंटिंग, बहुत हैंसम होके वापस आया है। हैंटिंग बेटा? मम्मी हमको बहुत भूख लग रहा है, कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है आपका। आपके आओ कुछ बनाती हूँ। हैंटिंग पापा, आज आप जल्दी घर आ जाइए, हम सब मिलके खाना खाते हैं। ये सर 5 पैकेट मेरे बेटा का पेवरेट सिगरेट देना। वाह सर, आपका बेटा वापस आ गया इतना महीना बाद। हाँ क्यों नहीं, और साथ में ना चॉकलेट भी देना, अगर वो सिगरेट छोड़ दिया उन्होंने चॉकलेट दे देगा। ये पैसा और इसको। Thank you.
बेटा प्लीज, हम तुम्हारा माँ है, हमको क्यों मार रहे हैं? माँ है तो हमको कभी रिहा में मिलने के लिए क्यों नहीं आए? और ये दूसरा बच्चा क्या हमको रिप्लेस करने के लिए क्या? तुम जो सोच रहा वो गलत है, कभी हम जो सोच रहे उसको समझने के लिए कोशिश करो। हम कभी गलत नहीं हो सकते। रिहब भी हम अपने मर्जी से गया था, तुमने तो भेजा नहीं और कभी देखने के लिए भी आया नहीं। तेरा जैसा मतलबी आदमी लोग के लिए दुनिया में बिल्कुल जगह नहीं है। वाह मम्मी, आपका एक्टिंग तो असली जैसा लग रहा है। आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था। थोड़ा सा लेट मुरो, थोड़ा लेट मुरो ना, थोड़ा लेट मुरो ना, लेट मुरो ना। तेरा जैसा बेटा किसी को भी ना मिले। Thank you.
पापा खाना खा लो, हम निकाल दिया बहुत प्यार से। आप अपना बेटा को मारेगा, पता था आप दोनों प्यार नहीं करते बोल के हमको, और आज देख भी लिया। ठीक है, हिम्मत है तो आप मार के देखो। आपको जैसा कमजोर दर्द किसी को भी नहीं मिलना चाहिए जो अपने परिवार के लिए लड़ भी न सके। पता होना चाहिए मैं तेरा बाप हूं। क्यों जिंदगी तू बता दे।
बहुत लेट आए हो। क्या चाहते हो मुझसे? मौत। आज नहीं। तुम जेल से आज ही छूटा है क्या? हमको तुम्हारे बॉस से मिलना है। ड्रग्स ने मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया है और हम जो ड्रग्स मालिक है उसका लाइफ को बर्बाद कर देगा। वो बहुत बड़ा आदमी है, उसका बारे हम लोग को कुछ पता नहीं, और कोई बताएगा भी तो उसको वो लोग मार देगा, इवन हमको भी। इसलिए उसका बारे जानना छोड़ ही दिया, फॉर बेटर ऑप्शन। तब तो कहाँ से लेते हो सर्फ एक्सेल? दुकान से कापा, उसका नाम कापा है, वो आपको बॉस का बारे बता सकता है। नंबर सेव कर। DSLR, तुम मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। सर अभी मेरा नाम KTM है, हम हवा से बात करते हैं, इंसानों से नहीं, और आज हम आपके साथ नहीं जा पाएगा। साले, तेरा वजह से मेरा बेटा बिगड़ गया और आज मदद मांग रहा है तो मना कर रहा है। आपको हम अपना समझ के इतना प्यार से बोल रहा है और आप हमको ही इज्जते। हम पहले जैसे नहीं हैं, हम बदल चुका है। चाहे तो अभी आपको मार के जा सकते हैं हम। सिर में बहुत जोर से लगा है, सो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक आपको संभालना पड़ेगा उनको बहुत अच्छे से, ठीक है? तो क्या मैं ले जा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बस आप अपना मेडिकल का बिल पेमेंट कर लो फिर ले जाओ, ठीक है? तुम उतर जाए इधर। लेकिन सर आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो आपका घर नहीं है। तुम्हारा भी नहीं, ये काम हम कर लेगा, और ऐसे जगह जा रहा हूँ जहाँ कोई परेशान ना करे।
मुझे सिर्फ एक्सेल चाहिए। रॉन्ग नंबर। 2 लाख अभी एडवांस देता हूँ, तुम्हारे अकाउंट नंबर को अभी सेंड करो। पैसा अभी तक नहीं आया। रुको, नेट स्लो है। इधर संतुंग को बताएगा और अकेला आना। बोलने से पहले मेरा 2 लाख वापस कर दो, वरना पता भी नहीं चलेगा कि हम तुमको क्यों मार रहा है। तुम्हारा बॉस का नाम बताओ, बॉस कहाँ रहता है? ठीक है ठीक है, बताता हूँ। जो मेरा रिसेंट कॉल में पहला नंबर है वही मेरा बॉस का नंबर है। अनलॉक कर, अनलॉक कर। हेलो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है आ जाओ। हमको पता है तुम कुछ मिशन में हो, शायद यह ड्रग्स तुम्हारा परिवार को बर्बाद किया होगा। इसमें काम करने वाला और इसको यूज करने वाला दोनों ही इसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ है मुझे प्यार से पूछ लिया होता, मेरा बेटा को मारने का क्या जरूरी था? मेरा वाइफ 5 साल से बिस्तर में है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं जुड़ रहा है। हम बाप बेटा दोनों का कोई नौकरी नहीं, बस इसी काम से कुछ पैसा आ रहा था।
बोलो, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? क्या ये सब आप चलाते हो? नहीं, तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। तुम कभी लड़ नहीं सकेगा, ना पैसा से और ना फिजिकल से। फिर भी अगर कुछ उम्मीद है, हम तुमको मिलवा देगा। हेलो सर। आज के मुख्य समाचार। कल दिन दहाड़े किसी ने एक आदमी को बहरमी से जंगल में मार डाला है। मरने वाला का गाड़ी में से ड्रग्स पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक व्यक्ति को जंगल में शव पड़ा मिला। पुलिस की कार्रवाई अभी भी जारी है। काश लोग हमेशा ऐसे ही मरते रहे और ये लड़की को रिपोर्टिंग करते हुए हमें देखने मिले। सर, न्यूज देखिए, लड़की को नहीं, हम लोग आदमी को मार दिया है। कुछ नहीं, आपसी दुश्मनी होता होगा। हेलो, जिसने मेरा पिता को मारा है वो मेरा घर आया हुआ है, बोल रहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। उसको फोन दो। तुमको जो चाहिए कभी मिलने वाला नहीं है, और जो हम तुमको देगा वो तुमको लेना ही पड़ेगा। तो फिर आ जाओ। तुम वही आदमी हो ना जिसने अपने पागल बेटा को मारा है? इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पीछा क्यों कर रहे? तुम और तुम्हारा ड्रग्स और कितने परिवार को बर्बाद करेगा। और आज जब तुम ही नहीं रहेगा तो ड्रग्स ही नहीं रहेगा। उठो, खड़ा होके बात करो। रुको, बोला ना कुछ मत करो। इसको तो हम खुद संभाल लेंगे। डरने लगता है क्या? जो अपने हाथों से अपने बेटा को मार सकता है वो न मार से डरेगा न मारने से।
देखो, जो तुम्हारा फैमिली का साथ हुआ है उसका हमको बहुत अफसोस है। जो हो गया उसको हम लौटा नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम तेरा हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा दूंगा, दोबारा लाइफ शुरू कर सकते हैं, दूसरा शादी करके। मंथली भी बहुत पैसा दूंगा, बस तुमको मेरे लिए काम करना है। हमको पैसा में हरा सकता है न फाइट करने में, इसलिए मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बॉस, आपका बेटा का फोन। हेलो बेटा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं तुमको पैसा भेज दूंगा। ओके, लास्ट एक बार लड़के देखेगा, अगर इस बार हार गया तो मैं तुम्हारे अंदर काम करूंगा। सबको खो दिया पर मैं ही जिंदा हूं, शायद किस्मत ने कुछ और ही लिखा होगा मेरे लिए, इसीलिए मैं जी लेता हूं। तीन गोली मारा है। दलियांग को फोन लगाओ। ओके बॉस। गोदाम में आ जाओ, कुछ काम है।
तुमको ये सब के बारे में क्या पता है? अनजान मत बनो, हमें सब पता है, साफ साफ बोलो। हमने तुमको बेटा को संभालने के लिए बोला था, अभी वो ड्रग्स में डूब गया है, आदमी को मर्डर करके घूम रहा है। ये सब पहले तुमने बताया क्यों नहीं? हम जो पैसा तुमको बेटा को देने के लिए देता था उसको तुम ड्रग्स ही ले देता था, ऐसे क्यों किया? अब गेम में मजा आ रहा है। शायद मैं पहले हार भी जाता, तुम्हारा बेटा का कॉल ने गेम में जान डाल दी। बॉस, आपका बेटा का फोन। हेलो बेटा। जो मैंने दुख सहा वो मैं नहीं, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें इलाज कराएगा। और ये लो कुछ पोतोस। और हाँ, मैंने ही तुम्हारा बेटा को बनावट इस तरह सुनाया था कि ये लोग तुम्हें मारने वाला है, इससे पहले तुम उसे मार डालो। वेरी सिंपल, ड्रग का नशा में इन लोगों को दुश्मन समझा और मार तक गया और मार तक गया और मार तक गया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये मेरा बेबी भी बोलता था। बहुत बोलता है साला। बॉडी का कुछ करो और कल ही हमारा बेटा रिहैब में भर्ती होगा, समझा? ओके बॉस। हेलो। हेलो, तुम कहाँ हो? घर पे हूँ। डेविड किधर है? पता नहीं, कल रात से घर में नहीं है। तुम संभाल के बैठो। क्या हुआ? मैं घर आके बताता हूँ। को हम लास्ट टाइम भी वार्निंग दिया था ना, पढ़ाई करते समय डिस्टर्ब मत करो। हाँ बेटा, ये जो फोटो में है वो हमने। कब से ड्रग्स यूज कर रहा है? तुम ये सब पहले बताया क्यों नहीं? हमको पता है आप हमको मारने कर रहे हैं। हाँ,
मारेगा हमको, मारेगा हमको, मारेगा मारेगा हमको, मार के देखो हमको मारेगा। अभी क्या करेगा ना मैडम, एंटोनी को बता दूं? नहीं, उसको इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमको ड्रग्स का नशा में मारता है। कहीं उसको पता चल गया तो एंटोनी उसको मार ही डालेगा, और हम नहीं चाहते कि मेरा फैमिली बर्बाद हो। कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे पता है ये इस तरह एडिक्ट हो चुका है, अगर एक बार भी चिरवाने की कोशिश करेगा तो बात और बिगड़ सकता है। ठीक है, अभी के लिए उसको कई से ड्रग्स लेके देते रहो जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। और देखो, ये बात हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए, उसका पिताजी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और जैसे ही काम हो जाएगा तुमको तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, और बात का प्लान बाद में करते हैं। अभी तुम जाओ। जब समय था आपने कभी बेटा का हाल पूछा, वो क्या चाहता है, क्या सोचता है? आपने कभी उसको टाइम दिया? वो अकेला रह रह के साथी ढूंढ लिया ड्रग्स को। घर में कब आता है, कब जाता है, कुछ पता नहीं। रात को कभी मारतूल, कभी चाकू और कपड़ों में खून लगा के आता है। अकेला कितना संभाला है मैंने, और पुलिस के पास भी नहीं जा सकता है। आप खुद जो ड्रग्स का बिजनेस खोल रखा है। सॉरी एलिस, ये सब मेरा वजह से हुआ है। मैंने कुछ सोचा है, आज जो भी हालत में हम डेविड से बात करेगा, उसको कुछ महीना के लिए हम लोग रिहैब भेज देंगे, ठीक है? अंकल आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। आपका शकल तो मेरा पापा से मिलता है। जो भी हो आज बात करके देखता है। बेटा डेविड, डेविड मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। बेटा आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाला। बेटा आज हमको समझ में आ रहा है कि किसी बच्चे को सुधारने और बिगाड़ने में पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है। बेटा सामने से बात करते ना एक बार, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बेटा Thank you.
अब तो शादी करने के लिए सोच रहे ना, इसलिए हमको मारने का प्लानिंग कर रहा है। सॉरी एलिस, हम कुछ नहीं कर सक रहा था। कभी सोचा नहीं था ऐसा भी दिन देखने मिलेगा, अपना ही बेटा को अपना बाप का हाथ से मरते हुए। एलिस, नो एलिस, एलिस, नहीं एलिस, एलिस। जो मैंने दुख सहा वो मैं नहीं, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें निराश करेगा। No.
मैं सबको खो दिया, पर मैं ही जीता हूँ। शायद किस्मत ने कुछ और ही लिखा होगा, इसलिए मैं जी लेता हूँ। हनी, आज तो लेट होगा हाँ, और आज का दिन तोरा भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन जरूर मैं वापस आऊंगा। बेटी मम्मी का ख्याल रखना हाँ, पापा बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी। जाने क्यों मैं यूँ जी रहा।